तो भाई खमागणी नोमेड शक्ति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय माता जी की। और मैं देखो यार अभी ये अपना टेंट पैक करने वाला हूँ। अभी तो सो के उठाऊँ और ये अपनी साइकिल खड़ी है। अभी पैकिंग चल रही है यार। पैकिंग सामान बांधने और खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। तो आज का कुछ मेरा फिटनेस बहुत ख़राब है। पैर वगैरह थोड़े बहुत दर्द तो करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करो, सारा दर्द दूर हो जाता है। कमेंट करो यार भाई। और अभी इस ढाबे से अपन इसको अलविदा बोल देंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। यार यूपी में एक बात है, मतलब हर 10-15 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर एक गांव है, और वो गांव आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे ये दिख रहा है। या तो इससे थोड़ा सा छोटा दिखेगा और या फिर ऐसा ही दिखेगा। तो मतलब हाईफाई है। अभी यार मैं हरिद्वार रोड पे खड़ा हूँ और ये छोटी सी एक आइसक्रीम खा रहा हूँ। हरिद्वार रोड यहाँ से अभी सामने मुजफ्फरनगर आएगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा शहर मुजफ्फरनगर का। और ये आइसक्रीम भाई इस भाई की तरफ से है। भाई क्या नाम है? रोहित। रोहित भाई है कहाँ से? मुजफ्फरनगर। भाई साहब मुजफ्फरनगर के भाई के नाम से ये आइसक्रीम। भाई मज़ा है ठंडे ठंडे मौसम। तो यार यहाँ से मुजफ्फरनगर देखो 3 किलोमीटर है, और ये मुजफ्फरनगर की धरती में एंट्री कर गए अपन। कितने दिन नाम तो सुना था भाई, मुजफ्फरनगर का नाम तो सुना था, लेकिन आज भाई इसमें आ भी गए अपन। भाई मुजफ्फरनगर में ये भाई है, हमको कुछ खिलाने पिलाने की बात हो रही है। भाई वो सामने जो स्टैंड वाले भैया दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन उनकी तरफ से वो हमें कुछ खिला रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। भोलेनाथ के नाम से कि हमारी यात्रा अच्छी हो। तो भाई को अभी नाम पूछेंगे हम। भाई थैंक यू भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई थैंक यू। और क्या नाम है? प्रिंस कुमार। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है। तो भाई भाई ने फल वगैरह दिए अपन को। पानी चाहिए तो पानी बता दे काम। थैंक यू यार। और अभी मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, मुजफ्फरनगर मेन मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। अब यहाँ से हरिद्वार की तरफ निकल जाएंगे अपन सीधे की तरफ। और भाई ने फल फूल दिए हैं। अरे बस खाओ खाओ। थैंक यू यार। नहीं लो, लो भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो भाई ये है हरिद्वार हाईवे पे, ये टोल टैक्स है। और यार ये टोल टैक्स मैंने बहुत कम देखे हैं इस रोड पे यार। अभी यूपी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, अपन उत्तराखंड में एंट्री कर जाएंगे, पहाड़ों की नगरी में एंट्री कर जाएंगे, भोलेनाथ की नगरी में एंट्री कर जाएंगे। और जहाँ देखो जहाँ ओनली गन्ने ही गन्ने दिख रहे हैं भाई साहब यूपी के अंदर तो। और भाई यार अभी है ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ऋषिकेश उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट के साथ। यार अभी है ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, आपको बता दूँ क्यों। क्योंकि अपनी साइकिल यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना सामने, देखो केदारनाथ के दर्शन हो गए, भोलेनाथ के दर्शन हो गए। केदारनाथ है 312 किलोमीटर भाई, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, उसमें वाइड एंगल ज़्यादा आ गया। और यहाँ से 312 किलोमीटर ओनली केदारनाथ है, तो अब ज़्यादा एनर्जी आ गई है भाई ये देख के। तो मेरे को भोलेनाथ के दर्शन हो गए, तो फटाफट से साइकिल चला के अपन निकल जाएंगे हरिद्वार की तरफ। अरे यार बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं। सारी छुट्टियाँ पता नहीं इसी टाइम बनाएंगे क्या। और ये देख के मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा रश होने वाला है भाई केदारनाथ के अंदर और उत्तराखंड के अंदर ज़्यादातर। केदारनाथ आप लोगों को बता दूँ, केदारनाथ 25 को ओपन हो रहा है, तो आप लोग भी बैग उठा के निकल जाओ भाई भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं इस बार यार। वापस पुलिया चढ़ना पड़ रहा है। भोलेनाथ कृपा बना दे, शिव के लाटों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरने तेरे के अंत नहीं है, तेरे कैलाशों का अंत।
अंत नहीं है शिव कैला। ए भोलेनाथ भाई यार बहुत ज्यादा थक गया। ओ भाई बोझ कर दी। ये देखो भाई हवा ये जहाज की तरह घोड़ी की तरह उड़ रही है अपनी गाड़ी। बस यार ये गाड़ी वाड़ी मेरा ये स्पीड कम ना कर दे बस। तो यार सामने देखो हरिद्वार है 60 किलोमीटर इसी कैसे 84 किलोमीटर। तो आप लोगों को क्या क्या लगता है कि अपन पहुंच जाएंगे क्या आज हरिद्वार? और अभी टाइम हो गया 3:30 बज रही है, ज़्यादा देर नहीं है अपने पास, 4 घंटे हो रहे साइकिल, 4 घंटे साइकिल चला सकते हैं। उसके बाद अपन को कैंपिंग की जगह देखनी होगी। ये मेरा एक नियम है ट्रैवलिंग का लास्ट है ना 6 बजे तक साइकिलिंग या हिचाइकिंग कुछ भी करता हूँ तो लास्ट 6 बजे तक। यार अभी हरिद्वार में अपन एंट्री कर गए गुरुकुल कांगड़ी देखो ये। और आज यार आपके भाई ने अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं 6 बजे से आगे मैं साइकिल नहीं चलाता था लेकिन आज मुझे चलानी पड़ गई है क्योंकि एक टारगेट सेट किया था कि हरिद्वार में जाके रुकेंगे, तो बीच में रुकने से कुछ मतलब नहीं था तो इसलिए डायरेक्ट हरिद्वार का टारगेट रखा यार। तो अभी जाके हम रुकेंगे, ये कुछ है शांति कुंज, वहाँ पे आज अपन रेस्ट करेंगे, कल भी रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे ऋषिकेश की साइड में है ना। तो अभी आगे जाके देखते क्या होता है। आगे देखो भाई तो भाई अभी मैं हरिद्वार में अपन को दीपक भैया अपने घर पे होस्ट। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, ये हमारा पहले हक है। धन्यवाद। अरे भैया कहाँ से आ रखे बेटे? मैं तो हरियाणा से हूँ, ये जयपुर से राजस्थान। अच्छा, वैसे मैं तो गोवा से आया हूँ। सुन गिर जाएगा पीछे पकड़ रख जाएगी। लाओ कंबल देना, नहीं दूसरी चादर सॉरी ये।